गाय के नाम पर बुलंदशहर तशद्दुद और इंस्पेक्टर की मौत पर 80 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के अफसरान ने योगी को लिखा खुला खत। अफसरान ने योगी सरकार पर लगाया मामले को फिरका वाराना रंग देने का इल्जाम। वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का योगी से किया मुतालबा। चेन्नई MTC बस अड्डे पर बेटे की बर्बरता आई सामने। जायदाद तनाजे में बेटे ने अपनी 77 साल बुजुर्ग माँ और बहन पर किया चाकू से हमला। माँ की हुई मौत, बहन की हालत बताई जा रही नाजुक। माँ ने अपनी देखरेख न करने पर बेटे को जायदाद से किया था बेदखल। मुलजिम बेटे को मुसाफिरों ने पुलिस के किया हवाले। राफेल डील पर नहीं थम रही है सियासत। कांग्रेस और BJP के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठप। BJP कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज का बना रहे मनसूबा। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करा दिए जाने पर सिंह ने PM मोदी पर कसा तंज। का मुल्क का एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था मैं। चेंजिंग इंडिया के नाम से अपनी किताब की लॉन्चिंग तकरीब में मोदी पर तनकीद कर बोले मनमोहन, मैं प्रेस से डरने वाला नहीं था। वजीर आजम मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल का करता था सामना। I went to the office as usual. Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, where are you? I said, I am in the UGC. He said, hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you? I said, I didn't take him very seriously. And Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony. So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. रियासतों में करारी हार से NDA में नजर आ रही है बेचैनी। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे का उठाया सवाल। का वक्त पर नहीं बनी बात तो पड़ सकता है नुकसान। 3 रियासतों में जीत से जोश में भरी कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा इंतखाबात की तैयारी। बिहार में सीटों के बंटवारे पर बातचीत तेज। तेजस्वी यादव और मांझी के साथ कल राहुल गांधी की होगी मुलाकात। मैसूर चामराजनगर जहरीला प्रसाद मामले में हुआ नया खुलासा। सालूर मठ के स्वामी MRD महादेव स्वामी को पूरे मामले का समझा जा रहा है मास्टरमाइंड। पुलिस कर रही है पूछताछ। हजारों लोगों ने कोलेकाल पुलिस थाने का घेराव कर स्वामी को सबक सिखाने अपने हवाले करने का किया मुतालबा। इलाके में फैली कशीदगी। अब तक जहरीला प्रसाद खाने से 15 लोगों की हो चुकी है मौत। पहाड़ी पर मुसलसल बर्फबारी से कांप रहा है शुमाली हिंदुस्तान। दिल्ली में कल से 4 डिग्री के पार दर्जा हरारत गिरने का जारी किया गया अलर्ट। हरियाणा पंजाब और राजस्थान में भी पड़ी कड़ाके की ठंड। दलाल भगाओ देश बचाओ के नाम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने करवार जिला डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की रूबरू किया एहतजाज। DC की मारिफत सदर इनके नाम पेश किया मेमोरेंडम। मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर मौजूदा हालात को अंग्रेजों के जमाने से बदतर और जिलेदार दिया करार। गोवा में कर्नाटक की मछलियों की बरामदगी पर पाबंदी में देश पांडे की कोशिश के बाद आई तख़फीफ। छोटी सवारियों के जरिए कर्नाटक से मछली सप्लाई की दी गई इजाजत। मछलियों में फार्मोलिन के मिलावट के सबब गैर रियासती मछलियों पर हुकूमत गोवा ने आयद की थी पाबंदी। कर्नाटक के जिला हरियाल में पेश आया अलमनाक हादसा। नदी में डूबकर बाप समेत 3 बच्चों की हुई मौत। मां का किया गया रेस्क्यू। खेलने के दौरान नदी में गिरी 9 साल बच्ची को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया था हादसा। इलाके में छाया मातम। भटकर मुस्लिम यूथ फेडरेशन की जानिब से मुनाकिद अमीन सैफुल्लाह BCL क्रिकेट टूर्नामेंट का कल हुआ शानदार अख्तितम। स्काई ब्रीजर्स ने यूनाइटेड भटकल को शिकस्त देकर मारी बाजी। 8 विकेट से यूनाइटेड भटकल को मात देकर खिताब को किया अपने नाम। इख्तितामी इजलास में मुकर्रिन ने खिलाड़ियों को फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। इस्लामाबाद के इजलास में पाकिस्तानी वजीर खारिजा के मीठे बोल। कहा कश्मीर तनाज़े का हम चाहते हैं पुरअमन हल।